क्रियाकलाप 5, छल्ला और कील। तार का एक ऐसा छल्ला बनाइए जिसमें से कील का सिर आसानी से निकल पाए। अब कील के सिरे को मोमबत्ती से गर्म करें। क्या आप अब तार के छल्ले को कील के सिर पर से निकाल पाते हैं? आपस में चर्चा करें कि ऐसा क्यों होता होगा। द्रव पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार। आप जानते ही हैं कि द्रवों का अपना कोई आकार नहीं होता। द्रवों को जिस बर्तन में रख दिया जाता है वे उसी का आकार ले लेते हैं। जब हम किसी द्रव को बर्तन में भरकर गर्म करते हैं तो पहले बर्तन का प्रसार होता है, फिर द्रव का। अतः आयतन प्रसार दो प्रकार के होते हैं। पहला आभासी प्रसार, एपरेंट एक्सपांशन। दूसरा वास्तविक प्रसार, रियल एक्सपांशन। आइए हम द्रवों के प्रसार को इस क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप 6। कांच का एक फ्लास्क ले, इसमें एक पतली व पारदर्शी नली लगा दें। पूरे फ्लास्क में ऊपर तक द्रव भर दें और फ्लास्क का मुंह कॉर्क द्वारा बंद कर दें। मानो शुरुआत में द्रव का तल ए तक है। जब फ्लास्क को गर्म किया जाता है तो द्रव का तल पहले ए से बी तक गिरता है और फिर बी से सी तक बढ़ता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? गर्म करने पर सबसे पहले ऊष्मा फ्लास्क को मिलती है, जिस कारण फ्लास्क फैल जाता है और पानी का स्तर नीचे गिर जाता है। इसके बाद ऊष्मा द्रव को मिलती है और वह फैलने लगता है, जिस कारण द्रव का तल ऊपर उठता है। तलों ए बी सी का मान नोट कर लें। हम देख सकते हैं कि द्रव का आभासी प्रसार तो ए से सी तक ही है, लेकिन वास्तविक प्रसार बी से सी तक है। ए से बी तक फ्लास्क का प्रसार है। द्रव के आभासी प्रसार में बर्तन के प्रसार को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वास्तविक प्रसार में बर्तन के प्रसार को भी ध्यान में रखा जाता है। बी सी बराबर ए सी धन ए बी, अर्थात द्रव का वास्तविक प्रसार बराबर द्रव का आभासी प्रसार धन बर्तन का प्रसार। यह भी जानिए, अन्य द्रवों की तरह पानी भी गर्म करने पर फैलता है, लेकिन नैसर्गिक बात यह है कि यह 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच नहीं फैलता। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में भी जलीय जीवन सुरक्षित रह पाता है। पानी के ऊपरी सतह का ताप यदि 0 डिग्री सेल्सियस से कम भी हो, तब भी तालाबों के निचले तल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिस कारण जल जीवन को कोई हानि नहीं पहुंचती। गैसों में ऊष्मीय प्रसार। गर्म करने पर गैसों का प्रसार ठोसों व द्रवों की तुलना में अधिक होता है। गैसों में भी द्रवों की ही तरह केवल आयतन प्रसार संभव है। ये प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला नियत दाब पर। यदि नियत दाब पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस का आयतन बढ़ेगा। इस प्रकार के प्रसार गुणांक को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। किसी गुब्बारे को ऊष्मा देने पर उसके भीतर की हवा गर्म होकर फैलने लगती है। यह आप गुब्बारे के बढ़ते आयतन से देख सकते हैं। अतः गैस का आयतन प्रसार गुणांक बराबर आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणित ताप वृद्धि, अर्थात गामा पी बराबर डेल वी बटे वी गुणित डेल टी। दूसरा नियत आयतन पर। जब नियत आयतन पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस का दाब बढ़ता रहता है। इस प्रकार के प्रसार गुणांक को दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। जैसा कि आपने कुकर में देखा होगा, गर्म करने पर कुकर की सीटी बजती है और सीटी में से भाप निकलती है। यह इसलिए होता है क्योंकि नियत आयतन पर कुकर के अंदर दाब बढ़ता जाता है। अतः गैस का दाब प्रसार गुणांक बराबर दाब में वृद्धि बटे प्रारंभिक दाब गुणित ताप वृद्धि, अर्थात गामा वी बराबर डेल पी बटे पी गुणित डेल टी।